स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं उसको। अभी बताता हूँ क्या कलेश हुआ है। जापान भाई गजब देश है। यहाँ पर जो तुम सोच सकते हो ना, जितना भी ज्यादा, वो सारी चीजें ना होती है असली में। सारी चीजें तो मैं दिखा भी नहीं सकता, बेसिक चीज से शुरू करते हैं। यहाँ रात को तो आसपास अनयूजुअल चीज़ें दिखती ही दिखती हैं, पर नहीं, दिन में भी दिखती हैं जिन चीज़ों की आदत नहीं होती ऐसी चीज़ें। अब जैसे कल सुबह की बात ले लो, राम राम जी। यार क्या आवाज़ आ रही है। हाँ वीरिया की वैसी वक्त कट रहा है। भागने की जगह ठीक से मिल तो गई है यार, पर ना ये पार्क खुलता बहुत लेट है, तो जब ऑफिस चलती हो तब नहीं आ सकते। पर आते हैं, छुट्टी दे रखी है, और शाम को तो फिर टूरिस्ट घेर लेते हैं पूरा का पूरा, तब नहीं हो सकता कुछ भी। अरे चश्मा पड़ा किसी का, क्या हो गया बेंच पे? कीप आउट कीप आउट। अच्छा ओ टूट गया है वो बेंच, टूट गया ना तो उस पर लिख रखा भाई इसे मत बैठो। एकदम वैसी जैसे पुलिस केस हो जाता है जब नहीं चिपका टेप सी, वैसी लगा रखी है। सेफ्टी का ध्यान तो है यार भाई, बहुत गहरा आज सरकारी काम है यार, दो तीन इसलिए छुट्टी ले रखी है। अभी अभी पता क्या हुआ, वहाँ से पल्ली तरफ से भगता हुआ जा रहा था, देख अम्मा सी बैठी थी वहाँ बैठने की जगह पे, अपना अखबार सी पढ़ रही, कहता है ना आई कॉन्टैक्ट सा हो गया था, शक्ल पे प्रॉपर ध्यान दिया। अरे ये तो अम्मा नहीं है यार, ये तो चाचा बैठा लिपस्टिक लगाए, वही है मैं उसको मतलब मैंने देखा है कई बार यहाँ, और तो फिर कपड़े और विग विग लगाए डोलता है तो मैंने की अरे ये तो बहरू के बाबा है, अपना विग बदल लेता रूप बदल लेता भैया, अपना जीवन है कैसे जिए। बस हो गया टाइम, लग गया अब टूरिस्ट, चलो अपना निकलो। पसीने से आ गए, ये गर्मी की वजह से आया, इतना मैं भगा नहीं हूँ जितने पसीने आ गए हैं। इसमें बर्फ गरम गरम सा लग रहा है, बर्फ डालनी भूल गया इसमें। खैर बरंदे कौन कर रहा है ऐसी, ठीक है बहुत गर्मी हो रही है, सूरज एकदम टांट पे ही है। मस्त हो गया काम, 15 मिनट लगे सिर्फ। अरे आप तो बहुत गहरा कलेश सब रखा है, खाना है ना इसमें लिखी रहती है हर बार की। तो ऊपर एक हाथ से जो है वो हुए 86, और पर जो बीच वाला वो रहता है कि किन की जाने गई है, जान किसी की नहीं गई है, पर चोट चाट लगी 106 लोगों पर लिखा हुआ है ना, किनो नो खुद जी को। कल का है वो सारा ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी जो हादसे होते हैं ना वो हुए कल, हुए आज जो होंगे उनकी रिपोर्ट कल आएगी। ये रोज का सिस्टम है, यहाँ लगा रहता है। लड़कियों से बात करने के जो बार से रहते हैं ना उसके बारे में बताता हूँ। अब जापान में ना भाई नॉर्मल बार और क्लब से ज्यादा वो वाला सिस्टम चलता है कि जिसमें लड़कियां ना सर्विस देने आती हैं, मतलब ड्रिंक्स लेके आएंगी, खाना पीना लेके आती हैं, लाइट तेज है, मतलब ड्रिंक्स लेके आती है, खाना पीना लेके आती है, आपको सर्विस देती है, आपको सर्व करती है, और उसके साथ साथ आपके साथ बात करती है। इसमें जो सबसे बेसिक कंसेप्ट वाले जो बार होते हैं ना उन्हें बोलते हैं मेड कैफे, बार और रेस्टोरेंट की तरह ही रहते हैं, पर जो लड़की होती है वो मेड का कॉस्ट्यूम में पहन के आती है, खाना वाला देती है और नाश्ते गाते हैं, क्यूटली बहुत ज्यादा ओवर क्यूट डांस वांस करती है और बहुत ज्यादा क्यूट आवाज सी बना के बातें करती है। 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद अपना मौज लो। ये जो पैन में भर भर के हैं, हर शहर में भर भर के हैं भाई। मेरी तो खुद की एक दोस्त है जो पहले इसी पे काम करती थी, तो वो मेरे को लेके गई थी पहले, और उसके बाद मैं एक और बार गया था, 2-3 बार गया हूँ। अरे कैश खोलेंगे तो
उसने मुझे बताया था कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ना, ये फंडा क्या है। दिन के टाइम, दोपहर के टाइम तो भैया टूरिस्ट वूरिस्ट आते हैं, अपना खाओ पियो, मौज लो, डांस वांस चलता है। फिर जैसे जैसे रात होती है ना, फिर ये बार में ज्यादा बदल जाते हैं, मतलब ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स, ड्रिंक्स पे ड्रिंक। और इनका काम होता है भाई कस्टमर बनाना। इतने प्यार से, इतने दुलार से ऐसे बोलती है कि यार तुम तो कितने हैंडसम हो। सबकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रहती है, ये रटी होती है और यही बोलना होता है। फिर बोलते हैं कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काश एक एक ड्रिंक और पीते साथ में तो और लंबी बात कर पाते। पर बहुत से होते हैं जिनको स्वाद से आते हुए थे, अरे लो एक ड्रिंक और, एक ड्रिंक और। तो ऐसे कस्टमर बनाती है, ड्रिंक पे ड्रिंक, ड्रिंक पे ड्रिंक। इनका मेन काम होता है बिल बनाना। जितनी ज्यादा ड्रिंक्स बिकेंगी इनका कमीशन उतना बनता जाएगा, इनकी कमाई होती जाएगी। यहाँ जापान में, ओसाका में, टोक्यो में, नागोया में, फुकुओका में, जो बड़ी बड़ी सिटीज है ना, इनमें ऐसे बार भरे पड़े हैं, भरे पड़े हद से ज्यादा। मैं जा रहता हूँ ना, ये पूरा मेन एरिया यार सिटी का, यहाँ पर ये सारे ही काम होते हैं, मतलब इससे बहुत ऊपर ऊपर के होते हैं। जैसे वो तो दुकान, जैसे ये ऐसी दुकानें भर भर के हैं यार यहाँ पर। तो ये वाली जो गली है ना मेरे यहाँ, पूरी इसी काम के लिए यहाँ भरे पड़े हैं सारे। वो आ रही पीछे से, लाइन से लगे पड़े इसमें ना, पूरे के पूरे म्यूट कैफे, म्यूट कैफे। और लड़कियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, पर्चा से लगे कि हमारे दुकान में आ जाओ, हमारे दुकान में आ जाओ। हर 60 मिनट पे एक ऑर्डर करना पड़ेगा, तो टाइम एक्सटेंड होता रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो सिर्फ 90 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं। ड्रिंक भी होती है भाई साहब, शैम्पेन। और शैम्पेन का बताता हूँ अभी, रोस्ट बीफ प्लेट, ये फ्राइड चिकन। अलग अलग तरह के कंसेप्ट है। अब भाई नॉर्मल लड़की से बात करके पब्लिक का मन नहीं भरता, तो फिर वो चाहते कि वो कॉस्प्ले करे, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी रहे, ताकि हम उससे बात करें तो और मजा आए। जो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो ना, वो सारे बार जापान में है। अब जैसे ये जो मेरे पीछे वाला बार है ना, इसमें जो लड़कियां रहती हैं वो नर्स के कपड़े पहन के सर्व करती हैं खाना पीना सब कुछ। इसके पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। एक तो नॉर्मल बार क्लब वगैरह होते, अपने दोस्तों के साथ जाओ, पार्टी वार्टी करो, मौज लो, उसके अपना घर चले जाओ, जो हम सब जिसमें जाते हैं। ऐसे जो होते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं, यहाँ पर जापान में मोस्टली 40-45 साल, 50 साल, 55, 60 इस उम्र के लोग की काम बहुत ज्यादा करते हैं, अकेले होते हैं, बहुतों ने शादी नहीं करी होती, जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी होती है, डिवोर्स हो रखा होता है, या फिर पता नहीं घर में कोई टेंशन होती है, वो बाहर ज्यादा ऐसे बारों में। जो जैपनीज अधेड़ उम्र के जो आदमी रहते हैं ना, काम कर करके उनके पैसे तो होते हैं, उनको इतना ज्यादा लोनली फील होता है भाई, वो ऐसे बारों में जाके फिर अपना सारा धार दिल बताते हैं उन लड़कियों को, और दैट टिप पे टिप और दैट ड्रिंक्स पे ड्रिंक उनकी पूरी मौज कराते हैं, और नशे में भंट होकर अपना घर जाके फैल के सोते हैं, अगले दिन बैक टू ऑफिस, वही काम वाली जिंदगी वापस। तो मेरी दोस्त उसने तो मुझे अपनी पूरी स्क्रिप्ट दिखाई थी कि कैसे कैसे इनकी तारीफें कर करके इनको बोतल में उतारते हैं, और बढ़िया से बढ़िया ड्रिंक्स, महंगी से महंगी ड्रिंक खरीदवाते हैं, और इनके तगड़े तगड़े बिल बनवाते हैं। मैं वो देख के हैरान हो गया था, मैंने कि ये बताओ, सारा का सारा पहले से प्लान्ड है, हर एक चीज पर्चे बट रहे इस चीज को, लड़कियां वो ही बोलती है रिपीटेड, और सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं। जैसे वो चाचा जिसको स्ट्रेचर पर लेके गए थे ना, वो ही मेड कैफ में बैठा हुआ था, टिका दबा दब टिका रहा, दबा दब टिका रहा, भाई हो गया पता ही भंट, और फैल गया वही भटाक देसी, सर लगा उसका नीचे धरती में, तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस सा हो गया। अब वो चाचा तो हो गया था भंट, उसके किसी जानकार को बुलाया, उसके फोन में से नंबर निकाल के उसको बुलाया, उसके पैसे भरवाए, और उसके बाद स्ट्रेचर पे लौटा के उसको भेज दिया हॉस्पिटल कि जाओ भैया अपना ध्यान रखो। ऐसे पीसफुली सारा सिस्टम स्मूथली चलता है। बाकी जो बार होते हैं ना अलग अलग तरीके के, कैसे भी हो बेशक, उनमें मोस्टली ना 20 साल से ऊपर की लड़कियां काम करती हैं, पर ये इतना ज्यादा अंडरग्राउंड एरिया होता है ना मेड कैफे का, इसमें 15 साल की 16 साल की लड़कियां जो नाबालिग हैं अपने घर से भाग जाती हैं, वो आके इनमें काम करने लग जाती हैं। तो इसलिए ना जो मेड कैफे में जाके अगर कोई वीडियो बना रहा हो, जो फोटो बना हो, तो पहले पूछ लेते कि भाई आपको अगर ये करना है तो ऐसे सबकी नहीं ले सकते, जो लड़की आपको अलाउ करेगी या जो हमारा स्टाफ आपको परमिशन देगा सिर्फ उसी की वीडियो बन सकती। एक तो उनके घर में नहीं पता, कोई स्कूल में जाती है, कोई कॉलेज में जाती है, हैं वो चीजें ये बताना नहीं चाहती कि मैं ऐसा काम करती हूँ। कहीं ना कहीं अभी भी इस काम को थोड़ा सा वैसा माना जाता है कि ये काम ना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके कनेक्शन ना धीरे 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 करके वो दूसरी तरह की इंडस्ट्री में जाते हैं। परार के जो पैसे होते हैं ना इसमें ज्यादा होते हैं, फिर ज्यादा पैसे कमाने लग जाती है लड़कियां छोटी उम्र में, फिर उनको आदत पड़ जाती है, फिर वो नौकरी वोकरी नहीं करती प्रॉपर ऑफिस ऑफिस वाली, फिर वो इन्हीं कामों में जाती 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 है, और इंडस्ट्री इनकी अलग अलग रूट ले लेती है। वो वैसी वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, वैसे वाले जो काम होते हैं, तो इन्हीं सारी लड़कियों की छोटी छोटी होती है, दिमाग इतना ज्यादा होता नहीं है, तो इनको बहला फुसला के धीरे 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 करके वैसी वाली इंडस्ट्री में डाल देते हैं। दिन में तो भैया अपना टूरिस्ट आओ,
खेलो कूदो, फोटो वोटो खींचो, इंस्टाग्राम की रील बनाओ, अपना वापस जाओ। और रात को जो कस्टमर आते हैं ना भाई, वो बैठते हैं तसल्ली से, शैंपेन की महंगी महंगी बोतलें खुलती हैं, वो शैंपेन टावर रहते हैं, वैसा रूप बदल लेता है फिर उसके बाद। ये रात को जो नॉर्मल सी शैंपेन होती है ना, वो उस शैंपेन में ना वो लड़की की फोटो लगा देंगे कि ये इस लड़की की स्पेशल शैंपेन है, वो बोले कि ये स्पेशल है, इसमें से पीते हैं ना हम दोनों, ऐसे सिस्टम चलता रहता है। तो जैसे बार होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ पर अगर कोई कस्टमर जाता है और गलती से उसका बिल ज्यादा बन जाता है, अगर वो नहीं दे पाता है तो पुलिस आती है और फिर वो बिल की सेटलमेंट कराती है। यहाँ पर अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, फॉरेनर्स थे कुछ, तो जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी का मालिक था, उनको बिना दो तीन महीने की उनकी तनख्वाह रहती थी और भाग गया था छोड़ के। तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था पुलिस स्टेशन के बाहर ही, जब पैसे कोई नहीं देता तो भाई पुलिस आती और वो पैसे वैसे दिलवा देती, यही सिस्टम चलता आ रहा। तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था पुलिस स्टेशन के बाहर ही, बहुत कैड न्यूज भी बन गई थी। पुलिस आई, उनको उठा के भगा दी, ये हमारा काम नहीं है भाई, अपनी कंपनी से बोलो या लॉयर हायर करो या कोर्ट में जाओ, ये कोर्ट केस का सिस्टम होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब इन सारे बारों में जब पैसे कोई ना दे, तब तो तुम बड़ी जल्दी भाग भाग के आ जाते हो, पैसे दिलवा देते हो। अब हमारी मेहनत की कमाई है, हमारी खून पसीने की कमाई, अगर वो नहीं दे रहा तब तुम्हें कोर्ट और कचहरी याद आ रहे हैं। ये बड़े ही कंफ्यूजन वाले तुम्हारे रूल बना रखे हैं। तो फिर वो न्यूज देख के मुझे भी लगा है कि इंडिविजुअल आदमी जो होगा ना, उस पे तो पुलिस भैया पूरा काबू करके जबरदस्ती कुछ भी करवा लेगी, पर अगर कंपनी खोलो, कंपनी की आड़ में चाहे तुम कोई फ्रॉड करो या कोई भी कलेश हो जाता है, तो फिर कोर्ट और कचहरी का सिस्टम बन जाता है। फ्राइडे नाइट है, खाना वाना तो भारी खाएंगे। एनीवे जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम करे तो थैंक यू यार। ओए तुम्हें बोल रहा हूँ, पर जो नहीं कर रखा आराम तक कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई धरती पे आजकल? पानी लेना था यार, पर पानी तो सोल्ड आउट सा हो रहा था, कॉफी मार लेते हैं।